हेलो फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स। सो आज के वीडियो में हम ये बात देखेंगे कि द हिंदू न्यूज़पेपर का पढ़ना एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लाइफ में इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। आखिर सब लोग क्यों बोलते हैं कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पर थोड़ा कम फोकस रहता है, लेकिन द हिंदू का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीलिम्स में या फिर मेंस में भी, इवन इंटरव्यू तक जो कुछ भी सवाल बनते हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर से ही उनका कॉन्टेक्स्ट जुड़ा रहता है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि हर एक एमसीक्यू को देखेंगे, उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ थी वो न्यूज़ देखेंगे, और उस न्यूज़ को देखते हुए, उस न्यूज़ को टैग करते हुए यूपीएससी ने प्रीलिम्स में कैसे एमसीक्यू फ्रेम किया। सो लेट्स लुक फॉर द फर्स्ट एमसीक्यू, दैट इज़ फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 एग्ज़ाम। आपको याद होगा शायद पूरा देश मतलब दुखी था उस दिन जब केरला में एक हाथी को, मतलब फीमेल हाथी को मारा गया था कुछ फ्रूट खिला के, उसमें एक्सप्लोजिव थे। तो ये एक न्यूज़ थी, ये न्यूज़ आई थी 5 जून 2020 का। अगर न्यूज़पेपर देखे तो द टाइटल था उसका किलिंग गजा ऑन द किलिंग ऑफ एन एलिफेंट इन केरला। तो बहुत सब लोग स्टेटस भी डाल रहे, तो उस न्यूज़ को पकड़ के यूपीएससी ने कैसे एमसीक्यू फ्रेम किया, विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये 2020 का एमसीक्यू है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज़ फीमेल, देन मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स। मतलब देखिए आपने, मतलब उन्होंने ये नहीं पूछा कि किस स्टेट में हाथी को मारा गया, इनडायरेक्ट पूछते, एक उसका बैकग्राउंड पकड़ते और एमसीक्यू बना देते। आगे की लेक्चर सीरीज़ में हम ये भी देखेंगे कि एमसीक्यूज़ को एलिमिनेशन मेथड से कैसे टैकल करना है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू, कॉमन कार्बन मैट्रिक, आई थिंक ये 2021 के एग्ज़ाम में था, 2021 की प्रीलिम्स में। एक कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब वो 9 जून 2021 को न्यूज़ थी कि कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत लेवल बढ़ गया है, उसका मेजरमेंट्स भी इतना, मतलब करना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। ये सब मिलियन ईयर्स एगो कार्बन डाइऑक्साइड का इतना परसेंटेज था और आज तो इतना हो गया, ये सब न्यूज़ में था। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत न्यूज़ में था, इसलिए एक यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने कॉमन कार्बन मैट्रिक, उसको मेजर करने के लिए ओवरऑल फुटप्रिंट वगैरह जो कुछ भी कार्बन ऑक्साइड का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसको मेजर करने के लिए यूएनईपी ने वो बनाया था। और उसको ही टैग करते हुए यूपीएससी ने पूछा कि कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर, वो किस लिए डेवलप किया है, ये सब पूछा था। देन अदर एमसीक्यूज, ट्रिम्स एग्रीमेंट, तो 10 सितंबर 2019 को था ये न्यूज़ में आया था, और उसको पूछा गया 10 अक्टूबर 2020 की प्रीलिम्स में। तो न्यूज़ क्या थी, अ माइनर विन फॉर इंडिया एट WTO, द ट्रेड बॉडी रूल्ड दैट रिन्यूएबल एनर्जी इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय यूएस वेर डिस्क्रिमिनेटरी। इंडिया की जीत हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ट्रिम्स को लेके। तो उन्होंने कैसे एमसीक्यू फ्रेम किया उस पर, तो उन्होंने सिर्फ ट्रिम्स, एक तो देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो एमसीक्यू देखिए, यूपीएससी हमेशा बहुत एक न्यूज़ को कॉन्टेक्स्ट में लेके, उसके बैकग्राउंड को पकड़ के एमसीक्यू बना देती है। एमसीक्यू सिंपल ही होता है, बस आपको थोड़ा सा 360 डिग्री उसको घुमाना पड़ता है न्यूज़ को, कि उसका थोड़ा बैकग्राउंड जानना, आपकी क्यूरियोसिटी को आपको खुद ही एनहांस करना पड़ेगा, तभी जाके आपको आपके अच्छे से नोट्स बनेंगे और आप एमसीक्यू को टैकल पर कर पाएंगे। इसलिए मैंने इसी चैनल पर डेली करंट अफेयर्स का वीडियो भी मैं अपलोड करता हूँ, उसमें भी मैं जब जो कुछ भी न्यूज़ आती है तो उसका हम बैकग्राउंड पकड़ते हैं और उस पर एक एनालिसिस करते हैं कि इस पर एमसीक्यू कैसे बन सकता है। आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, आई बटन में है। देन देखिए कैसे एमसीक्यू फ्रेम किया है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। यहाँ पर उन्होंने गेम खेला सेकंड नंबर स्टेटमेंट पे, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको याद होगा ट्रिम्स का अगर आप पढ़ेंगे, अगर सिर्फ बेसिक भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये सिर्फ गुड्स पे लागू होता है, ना कि सर्विसेज पर। अगर दूसरा ऑप्शन, मतलब दूसरा स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर देते तो डायरेक्ट ऑप्शन सी आपके सामने करेक्ट आंसर बन जाता था। नेक्स्ट, ओलंपिक्स तो याद ही होगा, नीरज चोपड़ा दैट गोल्ड मेडल एंड एवरीथिंग न्यूज़ में था, सब कब न्यूज़ में था ये बताने की ज़रूरत नहीं, 32nd समर ओलंपिक्स था।
उसको लेके। देखिए सिंपल थीम पूछिए, ऑफिशियल मोटो क्या था इस ओलंपिक्स का, अ न्यू वर्ल्ड, वो सही था। देन नेक्स्ट इज राइट टू द सिटी। राइट टू द सिटी 2021 के अप्रैल में आया है और वो न्यूज़ में था 2020 में 12 सितंबर को। वो क्या था कि बहुत सारे मतलब जो गरीब लोग हैं उनके घर का कुछ सवाल था, उनकी सॉल्यूशंस निकालने के लिए मतलब बहुत सारी डिबेट चल गई थी। राइट टू द सिटी वो खास न्यूज़ में था और उस पर MCQ बनाया UPSC ने। कैसे, हमेशा आप देखिए UPSC वो ये सब जो वल्नरेबल सेक्शंस जो होते, वेमेन हो, चाइल्ड हो, पर्सन्स विद स्पेशल एबिलिटीज़ हो, देन चिल्ड्रन हो, मतलब ये सब ट्राइबल्स हो, रिफ्यूजीज हो, वर्कर्स हो, इनको लेके बहुत मतलब वो सेंसिटिव है, उन पर वो खास फोकस करता है। क्योंकि आगे चलकर जो IAS ऑफिसर्स बनेंगे इन सबको इनके ही वेलफेयर के लिए काम करना है, तो इनके जो इश्यू है आपको अभी पता चलने चाहिए, आपको अभी से उनका ज्ञान होना ज़रूरी है, इसलिए वो MCQ भी फ्रेम करता है इन्हीं के ऊपर। तो वर्कर्स का, अर्बन पुअर्स का जो इशू था उस पर उन्होंने राइट टू द सिटी का MCQ बनाया। आप देख सकते हैं 2021 का पेपर जाके कि कैसे MCQ बनाया। देन ट्राइक्लोजन साइंस एंड टेक की न्यूज़ थी, 2021 के अप्रैल में पूछा था और वो ट्राइक्लोजन न्यूज़ में था 2020 में 24 अगस्त को। वो ट्राइक्लोजन मतलब क्या था, एक टॉयलेटरीज के रिलेटेड है, एक फार्मा वेस्ट वगैरह इसको डिस्पोज करने के कॉन्टेक्स्ट में था। सिर्फ पूछा है कि ट्राइक्लोजन जो कुछ हार्मफुल होता है और हाई लेवल्स पर अगर उसको लॉन्ग टाइम रखा जाए एक्सपोज हो तो बहुत हार्मफुल हो सकता है, इस ये किसके कॉन्टेक्स्ट में रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन था टॉयलेटरीज। बहुत सारे लोगों ने वो फूड प्रिजर्वेटिव उसको क्लिक करा था क्योंकि उनको लगा कि ये कुछ बोल रहा है कि हाई लेवल्स पर ज़्यादा देर एक्सपोज रहा है, तो ऐसा कुछ उनके दिमाग में आया उन लिंकेज। देन नेक्स्ट यस शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, इसके थ्रू मतलब ये MCQ पूछा था, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था न्यूज़ में, वो था न्यूज़ में ये 2021 का MCQ है, लेफ्ट साइड में आपसे देख सकते हो, राइट साइड में उसका न्यूज़ है, कॉन्टेक्स्ट है। 2021 में 7 जुलाई को न्यूज़ में था और इसका मतलब न्यूज़ थी कि रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट सेंटर टेल स्टेट। तो बस उन्होंने कितना सिंपल पूछा है, आप देख सकते हैं कि ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इतना सवाल। बस लोगों ने हवा बना रखा कि UPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिम बहुत डिफ़िकल्ट है, इसके लिए ये स्पेशल क्लासेस वो स्पेशल क्लासेस, कुछ भी नहीं, मैं बताता हूँ आपको, बस हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ और न्यूज़ से जुड़े रहिए। दैट्स वाई दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द हिंदू पढ़ना आखिर इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, आप थंबनेल पढ़ के समझ ही गए होंगे। देन नेक्स्ट इज बिस्फेनॉल। ये जो कंसर्न था, कंसर्न मतलब अब कुछ तो प्रॉब्लम है इसको लेकर, चिंता है, तो ये किस काइंड्स ऑफ प्लास्टिक से रिलेटेड है, तो नीचे 4 टाइप के प्लास्टिक दिए, तो इसमें कौन सा, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसका न्यूज़ था 2021 का MCQ है, 2021 में ही, देखिए फोर्थ ऑफ अक्टूबर को एग्ज़ाम थी हमारी UPSC प्रीलिम्स 2021 की और अगस्त के 17 को ये न्यूज़ में था, बस 2 महीने पहले। बीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, और जो आप जब जाके आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बिस्फेनॉल के बारे में, वो उन्हीं दिनों में बहुत बिस्फेनॉल चर्चा में था, इसलिए न्यूज़ से जुड़ा रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। देन एडेनो वायरस एंड देन रेट्रो वायरस के उनको थोड़ा उनका बैकग्राउंड पकड़ के MCQ बनाए, और उसका बैकग्राउंड कहाँ से आया, तो वो आया 13 मार्च 2021 के न्यूज़पेपर द हिंदू से। आप देख सकते हर एक, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है पूरा, मैंने जाके रिसर्च करके, 2 दिन लगा मुझे, 2-3 दिन लगे इसको रिसर्च करने में कि आखिर MCQ आए कहाँ से, और आप डेट भी दे सकते हैं, वो कोई आलतू फालतू कुछ भी नहीं है। देन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स, ये इसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ से, 8 जुलाई 2021 को, ये MCQ है 2021 का एग्ज़ाम का, तो वो न्यूज़ में था। अब आप इसी MCQ का दूसरा स्टेटमेंट देखें, बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स,
क्यों नहीं, हो सकता है, इज पॉसिबल। और पहला देखिए एमसीक्यू, मतलब पहला स्टेटमेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन, हो सकता है, वाई नॉट, बोथ वन एंड टू इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्यों नहीं हो सकता है। इसको गलत कैसे बना सकते हैं, गलत कब होगा पता है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस कैन नॉट बी यूज एज अ वैक्टर्स, ये बन जाएगा गलत, क्योंकि कैन नॉट लगा है, निगेटिव है, मतलब वहाँ पर पॉसिबिलिटी को ख़त्म कर दिया है। साइंस एंड टेक के ये सब कुछ भी है ना, साइंस एंड टेक में सब पॉसिबल है भाई, टाइम ट्रैवल भी अगर वो बोल देंगे तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के क्या होगा हमें अब क्या पता, इसलिए साइंस एंड टेक में सब सही होता है। नेक्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस के बारे में उन्होंने बात कही। तो द हिंदू का ही वो एक बिजनेस लाइन करके वो आता है ना हैंड आउट और न्यूज़पेपर का वो सेक्शन, तो उसी में था कि बिजनेस लाइन में माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस के बारे में बताया था कि इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट कपल अनरैवल्स मिस्ट्री इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल का पावर हाउस भी बोला जाता है इसको, आप ध्यान में रखिए, प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है कि व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, नीचे ऑप्शंस होंगे सेल्यूलोज, प्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड कुछ भी और, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस। इसको पकड़ के सब 26 फरवरी 2020 का यह न्यूज़, और उसको पूछा 2021 में। देखिए बॉलगार्ड, अब इसको थोड़ा वो भी कर सकते, बॉलगार्ड को मतलब बॉल मतलब कुछ सर्कुलर ना, प्लेइंग का क्रिकेट वगैरह ये सब बॉल जो होता है, ये थोड़ा स्पेलिंग अलग है, और गार्ड, गार्ड मतलब एक गार्ड है जो किसी बॉल को मतलब प्रोटेक्शन, बॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बॉल किसका ऐसा होगा, बॉल अभी इन्होंने दिया नहीं, अगर कॉटन दे देते तो डायरेक्ट बहुत सारे लोग पकड़ लेते, लेकिन उन्हें दिया क्या दिया है, सेकंड बी ऑप्शन देखिए, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स। तो ये बीटी कॉटन को लेके था, उसके सीड को, उसके बॉल को गार्ड करने के लिए जो टेक्नोलॉजी थी उसको बॉल गार्ड टेक्नोलॉजी कही थी। ये न्यूज़ में थी, कब न्यूज़ में थी, 2021 का एमसीक्यू है, और 2021 में ही जून को ये न्यूज़ में था। ग्लोबल ओशन कमीशन के बारे में देखिए फिर, ये ग्लोबल ओशन कमीशन 2021 का एमसीक्यू है, 2021 में ही जून में ये चर्चा में था कि ग्लोबल ओशन कमीशन को इंडिया ने लॉन्च किया है और इसके थ्रू बहुत सारा ये एक्सप्लोरेशन होगा, मतलब ये फ़ायदा होगा वो करेगा इंडिया, ये सब इतने लोगों को भेजेंगे, माइनिंग करेंगे नीचे, बस इतना ही था। द नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये था 2021 के एमसीक्यूज़ में, और वो न्यूज़ में था सितंबर में। आप देख सकते हैं 4 अक्टूबर को ये यूपीएससी की ये प्रीलिम हुई थी, और बस कितने दिन, बस 16 दिन पहले में ये न्यूज़ में था। आप देख सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम एक महीना पहले न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, 16 दिन पहले में जो न्यूज़ में था उस पर एमसीक्यू बनाए, आप देख सकते हैं क्लाइमेट स्मार्ट विलेज का ये एमसीक्यू बना था, बहुत लंबे चौड़े एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। देन नेक्स्ट इज़ द पाम ऑयल को लेके, अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार पाम ऑयल तो बहुत स्टैटिक हो जाएगा, ये तो ज्योग्राफी या फिर कहाँ से, तो एनवायरनमेंट से आ गया होगा ये न्यूज़पेपर का, इसका क्या, नहीं, अभी तो मैंने इस सीरीज़ में कुछ 25-30 एमसीक्यूज लिए, लेकिन मैं अगर आपको पूरा न्यूज़पेपर बता दूँ, हर एक एमसीक्यू में द हिंदू को, द हिंदू से हर एक एमसीक्यू है, हर एक एमसीक्यू का द हिंदू से लिंकेज है, ये 100% सच बात है। ये न्यूज़ में था, पाम ऑयल 2021 का एमसीक्यू है, 19 सितंबर को, फिर से देखें वही, सिर्फ अगले दिन, पिछले 18 सितंबर को ये था क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, और 19 सितंबर को पाम ऑयल न्यूज़ में। फिर है आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, एक मिनट, पाम ऑयल पे उन्होंने कैसे एमसीक्यू पूछा है, लेकिन बस न्यूज़ क्या थी कि प्रपोज लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ ऑयल पाम मीन्स टू इंडियाज इकोलॉजी एंड
इकोनॉमी, व्हाट वुड बी द मतलब प्रपोज लार्ज स्केल कल्टीवेशन क्या होगा इकोलॉजी और इकोनॉमी के लिए। तो ये पाम ऑयल पे देखा है कि ये कहाँ पर पाया जाता है। देखिए कितना बेसिक, बस ऊपर सतह पर नॉलेज, जो जो सतह पर उसका कॉन्टेक्स्ट होता है ना, उस पर MCQ के वो स्टेटमेंट्स फ्रेम करते हैं UPSC, बहुत ईजी। आप देखें, देन आर टू कोडा प्रैक्टिसेस, वो न्यूज़ में था, ये 2021 के MCQ न्यूज़ में था, वो ये थोड़ा पुराना है। और ये है जो ई वेस्ट मैनेजमेंट से लेके इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के। फिर ये है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ये तो बताने की बात नहीं, हर रोज़ हर दो तीन दिन में ये न्यूज़ में होता है कि इकोनॉमी की ये चल रहा है, वो चल रहा है। अभी रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हमारी इकोनॉमी, कच्चा तेल क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, इम्पोर्ट हमारे महंगे, यहाँ पर इन्फ्लेशन, तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी। ऐसे करते करते अगर आगे भी अगर कुछ करेंसी का डिवैल्यूएशन कर दिया जाएगा, तो क्या हम ट्रेड बैलेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हमारी डोमेस्टिक करेंसी को फिर से रिवाइव किया जा सकता है, ये सब चर्चा में रहता है। हर कोई इस पर कॉलम लिखता है, द हिंदू में कॉलम्स आते हैं, ये तो बहुत कंटेम्प्रेरी न्यूज़ है, हर दिन चलता है। द नेक्स्ट इज़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर मेरी भी गड़बड़ी हुई थी इस MCQ में। ये बिजनेस लाइन द हिंदू के बिजनेस लाइन में आया था। तो इन्हें ये तीन स्टेटमेंट है, देखिए कि फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट में भी अगर आप कितना फर्स्ट स्टेटमेंट उसको भी कैच कर देते तो आपका MCQ करेक्ट बन जाता, कि जब ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बस सेंटर के अधीन उनको लाना था, ये अमेंडमेंट था। और फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए कि इसको सुपरवाइज और रेगुलेट किया जाता है लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि इसको सुपरवाइज और रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बस ये अमेंडमेंट था आपका पहला स्टेटमेंट गलत, तो बचा ऑप्शन बी ओनली, बी एंड टू एंड थ्री करेक्ट। देन नेक्स्ट RBI गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे सवाल बना था। अब आप बोलेंगे तो ये तो इकोनॉमिक के स्टैटिक्स है, स्टैटिक तो है ही, स्टैटिक तो मतलब तीसरा स्टेटमेंट देखिए आप, स्टैटिक का ही उसको फ्रेम किया, द गवर्नर ऑफ RBI ड्रॉज हिज पावर्स फ्रॉम RBI एक्ट। और पहला भी स्टेटमेंट देखिए, गवर्नर ऑफ RBI इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर लेकिन ये न्यूज़ क्या थी कि डिमिनिशिंग ऑप्शंस ऑन RBI's जून 2021 पॉलिसी स्टेटमेंट, RBI हैज़ लिटल रूम टू यूज़ इंटरेस्ट रेट्स फॉर अचीविंग पॉलिसी आउटकम्स। ये RBI को कुछ निर्देश वगैरह दिए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और इसके प्रावधान RBI एक्ट में भी है। तो इस पर MCQ बना था, 2021 में MCQ था और 2021 की ही जून की न्यूज़ है। देन ये देखिए MCQ, एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक की गई कि आपकी इकोनॉमी की नॉलेज आपको है या नहीं। तो यहाँ पर बोला गया कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, मतलब अगर फ्यूचर में अभी और इकोनॉमिक रिसेशन आ जाएगा, तो अगर आप गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी। तो ये क्यों न्यूज़ में था, ये MCQ क्यों आया, क्योंकि न्यूज़ में क्या था 30 नवंबर 2020 को कि हिस्टोरिक रिसेशन आया था ऑन इंडियाज़ GDP स्लम, किसके वजह से, पैंडेमिक की वजह से। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, अगर गवर्नमेंट पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा खर्च करेगी तो रेवेन्यू जनरेट होगा, लोग ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी और इकोनॉमिक रिसेशन जो उसको नॉर्मल रेट पे वो फिर से आ जाएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार इतना इकोनॉमिक रिसेशन मतलब पहले से पैसा कम है और फिर हम और कैसे खर्चा कर सकते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे, लेकिन ये सब कंसेप्ट्स की बातें हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। लेमैन की तरह हमें MCQ नहीं पढ़ना, हम सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं। नेक्स्ट कैजुअल वर्कर्स पे था, 2021 में पूछा था MCQ, 2021 में ही अगस्त में ये न्यूज़ था कैजुअल वर्कर्स
पे सिस्टम के बारे में जो कुछ भी डिस्पैरिटी थी और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के बारे में वो न्यूज़ में चल रहा था, उस पर उन्होंने ऐसा एमसीक्यू फ्रेम किया। बस पूछा कि ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 20 या 20 से ज़्यादा, वहाँ पर कुछ मतलब कुछ तो प्रावधान था कि इतने कैजुअल वर्कर्स वहाँ पर होने चाहिए, तभी उनको एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का कवरेज मिलेगा। ऑल शब्द उसका गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट से और तीन ऑप्शन हट जाएंगे और ऑप्शन बी आपके सामने करेक्ट आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज, देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 के यूपीएससी प्रीलिम्स में वो पूछा था कि बस मस्क डियर का नेचुरल हैबिटेट पूछा था, मस्क डियर न्यूज़ में था। ये आप टाइटल देख सकते हैं, दो हंटर्स लूज इंटरेस्ट इन रेड पांडा, दे ट्रैप्स, दे हैव मतलब स्टिल स्नेयर एंडेंजर्ड मैमल, और वो एंडेंजर्ड मैमल कौन है, वो है मस्क डियर। तो मस्क डियर पे ये क्वेश्चन बना था 2020 का एमसीक्यू, और न्यूज़ में था मार्च 9, 2020 को। देन नेक्स्ट इज़ यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज, मतलब बस ये इंडियन स्वैम्प डियर है ना, इस पर न्यूज़ थी, और ये नीचे दिए गए किस प्रोटेक्टेड एरियाज़ में पाया जाता है, जो कि एक्सक्लूसिवली ग्रैमिनिवर्स है। देखिए यूपीएससी ऐसा क्ल्यू भी देता है। तो न्यूज़ में क्या था, इंडियन स्वैम्प डियर न्यूज़ में नहीं था, तो न्यूज़ में था कान्हा नेशनल पार्क, और वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। बस न्यूज़ तो कॉन्टेक्स्ट तो नॉर्मल ही था कि बस उसको ओपन कर दिया गया था पैंडेमिक बंद होने के बाद, क्योंकि टूरिस्ट वगैरह रीओपन्स टूरिस्ट के लिए रीओपन कर दिया था, और वो इंडियन स्वैम्प डियर वगैरह वो सब वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते, इसलिए उसको बस हैबिटेट पूछा था। इससे पहले भी हैबिटेट पूछने की बहुत सारी इंस्टेंसेस हो गई है, वहाँ पर जब डॉल्फिन का हैबिटेट पूछा था जो कि था चंबल रिवर। या आप यूपीएससी का मतलब कैसे यूपीएससी अपने एमसीक्यू बनाते हैं, आप पिछले साल के एमसीक्यू से देख सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअली हाउ यूपीएससी यू नो आस्क्स क्वेश्चन, उसका पथ क्या है, कि अगर न्यूज़ ये रही तो इस पर एमसीक्यू कैसे बनेगा। ये डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस में भी डिस्कस होता है, यू कैन गो एंड वॉच दैट। फिर IAEA सेफ गार्ड्स, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेफ गार्ड्स के बारे में बताया था कि कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इसके IAEA सेफ गार्ड्स के अंदर क्यों रखा जाता है, बस इतना कंसेप्ट मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग है क्या नहीं, इतना ही चेक किया था। और ये न्यूज़ में बहुत था कि क्योंकि ईरान वॉन्ट एक्सेप्ट एनी डिमांड्स बियॉन्ड 2015 न्यूक्लियर डील, न्यूज़ में था। अब डेट के साथ दिया है कि 2020 का एमसीक्यू 2020 में ही न्यूज़, ऐसा यूपीएससी बिल्कुल नहीं करता कि 2020 का एमसीक्यू और 2014 का न्यूज़ में, 5-6 साल पुराना, नहीं, वो 1 साल तक ही सीमित है, ये प्रूव हो चुका है। देन द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन न्यूज़ रिफर्स टू अ ग्रेड ऑफ, देखिए ये टर्म्स वगैरह क्यों पूछता है, क्योंकि बस वो चेक करना चाहते कि आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर। तो ये न्यूज़ में भी था, देखिए 2020 का एमसीक्यू और 2020 में ही अप्रैल में पूछा था कि मतलब न्यूज़ था कि एक्सप्लेन व्हाई आर ऑयल फ्यूचर्स इन निगेटिव टेरेन। आप मतलब वो नीचे देख सकते हैं स्टोरी सो फार के बाद में, प्राइसेस ऑफ वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट द अमेरिकन बेंचमार्क फॉर क्रूड ऑयल, देखा प्रूफ के साथ बताया। देन MSP पर क्वेश्चन है, MSP पे आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं, इतना हंगामा फार्मर्स वगैरह सब क्यों न्यूज़ में था। देन हैदराबाद ने क्या कर रहा था कि ट्री सिटी स्टेटस, ये तो क्वेश्चन मेरे न्यू मतलब नोट्स में भी था, डेली करंट अफेयर्स वीडियोस वगैरह पहले के, अभी नहीं है वो वीडियोस। तो इस पर MCQ बना दिया कि किसने दिया, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था कि ये अवार्ड कौन देता है, ट्री सिटी स्टेटस कौन देता है, और दूसरा बताया गया था कि हैदराबाद को दिया है और क्यों दिया है, तो उसके बाद MCQ था इतना ही। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स पर वो MCQ बना था, 2020 का MCQ है, आई एम सॉरी वो, ओके कंटिन्यू। WPI इन्फ्लेशन पर न्यूज़ थी और उस पर ऐसा MCQ फ्रेम किया। बहुत अगर आप देखें, न्यूज़ एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन उसका अगर बैकग्राउंड पकड़े और उसको थोड़ा 360 घुमा कर उस पर
देखिए, सृष्टि देशमुख ने भी जो 2018 में रैंक 5 थी, उन्होंने भी कहा था कि बस आपको एक न्यूज़ पकड़नी है, जो कुछ भी न्यूज़ में है प्रीलिम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, और उसका बैकग्राउंड जानना है कि हाउ इट इज़, मतलब उस पर एमसीक्यू कैसे बन सकता है। अगर कोई स्कीम है तो इस स्कीम का कोई वो नहीं पूछेंगे कि ये स्कीम का बजट कितना है या फिर इसको कहाँ कहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। अगर एक स्कीम है तो वो डेफिनेटली पूछेंगे कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसका जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सुपरविजन होगा ये पूछेंगे। अगर कोई नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है तो उसका टारगेट क्या होगा। अगर इनिशिएटिव दिया है तो किसने लॉन्च किया, ये नहीं पूछेंगे। स्कीम पूछेंगे, इनिशिएटिव मतलब भी पूछ सकते हैं, लेकिन इनिशिएटिव के बारे में वो नहीं पूछेंगे कि तो उसका डेट नहीं पूछेंगे कि डेट कब से शुरू हो जाएगा, इस डेट से इनिशिएटिव शुरू हो जाएगा। नहीं, अगर कोई मतलब कन्या शिक्षा योजना कुछ तो अगर है तो डेफिनेटली इट इज़ रिलेटेड फॉर द गर्ल्स एजुकेशन, उनका टारगेट देखा जाएगा कि गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए ये सब हम कर रहे हैं, ऐसे टारगेट्स दिए जाते हैं। अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग का अमेंडमेंट एक्ट आया तो वो एक्ट का किस तारीख को आया ये सब नहीं पूछेंगे। एक्चुअली व्हाट इज़ द अमेंडमेंट और उस पर इकोनॉमी पर क्या असर होगा, क्या इकोनॉमी कैसे बूस्ट हो जाएगी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज इसे बोलते हैं, और इस पर यूपीएससी का मतलब जो ओरिएंटेशन है अभी बढ़ रहा है, इसलिए हाल फिलहाल में एमसीक्यूज मतलब यूपीएससी का कट ऑफ भी कम हो रहा है। एंड द लास्ट इज़ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं, ये न्यूज़ में क्यों था, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस पहली बार आए थे, पहली बार मतलब 20 साल बाद स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस अपीयर हुए। तो ऐसे देखिए, ये बस मैंने कुछ कितने 29 एमसीक्यूज डिस्कस किए आपसे, अभी मेरे पास पूरा 2011 से हर एक एमसीक्यूज का मेरे पास रिकॉर्ड है, सब रिसर्च किया है। दैट्स वाई आई वॉज एबल टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, जो कि मैंने खुद से तैयारी करके दिया था, खुद विदाउट कोचिंग कुछ भी नहीं, बस एनालिसिस करके और बस अपना न्यूज़पेपर और अपना बेसिक मटेरियल। एंड दैट एक्सपीरियंस आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। सो विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।